हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक नाश्ता। उसके लिए थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया का पत्ता, एक मिक्सर जार ले लिया हूँ। इसमें डाल देंगे 3 दोसिन का कलिया, 2 हरा मिर्च, थोड़ा सा पानी। इसको डाल के पीस लेंगे, अच्छे से पीस गया है चटनी। इसको साइड कर देती हूँ, एक प्याली में डाल लेती हूँ। उससे पहले एक आटा का डो बना लेती हूँ। इसमें ले लिए एक प्याली आटा, गेहूं का आटा, कोई मैदा वगैरह नहीं है। उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसको पानी डाल के एक टाइट डो बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से इसको इसके टाइट सा डो बना लिया है। इसको ढककर साइड कर देती हूँ। अब धनिया, रसुन, हरा मिर्च का जो चटनी इसी में डाल दिया है, अब इसी में डाल के थोड़ा आटा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे। ये भी एक डो बन गया है, एक पतला सा एक डो। ये थोड़ा टाइट बनेगा, ये थोड़ा पतला बनेगा। आटा हमारे घुन गया है, इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। ये बॉयल करा हुआ आलू, इसको घीस लेंगे। ये चिकन का स्टफिंग, ये भी साइड कर देंगे। ये भी चाहिए और आलू भी चाहिए। आलू थोड़ा इस तरह से घीस लेंगे। आलू घीस लिया है, अब इसको छोटा छोटा लेची काट लेंगे इस तरह। ले सारे सफेद वाले लीची काट लिया है, हरा वाले अब ये सब हटा देती हूँ। चॉपर ले लेती हूँ। इसमें लिया चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये सब एक साथ मिला देंगे।
इसको भी साइड कर देती हूँ। आप एक ये वाली ले लेती हूँ आटा का गोला, इसमें थोड़ा आटा छिड़क के इस तरह से बैली में से बेल लेती हूँ। इसको इस तरह से चीरा लगा लेती हूँ। इस तरह से चीरा लगा लिया। एक पत्ता वाला ये भी ले लेती हूँ, इसके थोड़ा पतला है, इसको हाथ से ऐसे दबा दबा के इसको इस तरह से बेल लेती हूँ। इसको भी इसका अंदर इस तरह से दे देंगे। जो मसाला बनाया था ये आलू देंगे, प्याज, इसके बाद आलू, मसाला इस तरह से छिड़क देंगे। इसके बाद इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे। इस तरह से घुमा लेंगे, घुमा के इस तरह से इसमें जोड़ देंगे।
तरह से पूरा बना लेंगे सारे। और एक बना लेती हूँ। इस तरह से पूरा डिजाइन बन जाएगा। इसको काट कर लेंगे। इस तरह से काट के इधर साइड कर देंगे। सा ले लेंगे, ये भी इसको ऐसे इसके ऊपर दे देंगे। इसको चिकन का स्टफिंग है ये डालेंगे, चिकन का स्टफिंग इस तरह से दे देंगे। तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से पूरा बना लेंगे। हमारे सारे बन गया है। इसी में मसाला भर देंगे। 2-3 चिकन का स्टफिंग से हुआ, अभी 3 आलू का स्टफिंग से हुआ। आप चाहे तो बहुत सारे सब्जी वगैरह बना के इस तरह से बना सकते हो, अच्छा लगेगा। इसको इस तरह रोल कर देती हूँ। देख सकते, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी इसको फ्राई कर ले सकते हो। इसको अच्छे से मोड़ के इस तरह से ऐसे जोड़ देना, नहीं तो खोल जाएगा। पूरा बन गया है। अब इसको फ्राई करने का बारी है। तेल हमारे गर्म हो चुका है, हम एक एक करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से तेल ऐसे फेंक फेंक के देखे। आप चाहे तो बहुत सारे तेल डाल के बना सकते हो।
और फ्राई हो गया है, निकल कर उठा लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से तेल देखे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा, बहुत ही टेस्टिंग यम्मी, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही यम्मी है। बच्चा लोग तो बहुत ही खुश हो जाएगा। गरम उठा लेंगे हम। हो गया फ्राई, हो गया है। अब हमारी यम्मी यम्मी नाश्ता बन गया है। एक आलू से, एक प्याली आटा से, इतना सारे नाश्ता देखिए कितना, देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बहुत ही यम्मी है, टेस्टिंग है। एक हरा मिर्च देखे, ये पूरा ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सजा देती हूँ। चलिए रेसिपी देख लेती हूँ। रेसिपी अच्छा लगे जरूर एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज। खाने में बहुत ही टेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब